चैप्टर नंबर 8, तितली और कवि। क्लास 2, एनसीईआरटी बुक। कविता से, तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास इसलिए गई थी क्योंकि उसको सुंदरता का बखान करना था। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली कली छटक कर खिल गई और तितली उसके तरफ बढ़ गई। तितली की क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली द्वारा खेलने की बात सुनकर कली खिल गई। तितली कली के पास कब गई होगी? तो सुबह गई होगी। तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? क्योंकि तितली सुबह गई थी क्योंकि वो उसे उठाने गई थी और उसको खिलाने के लिए बुला रही थी, खिलने के लिए बुला रही थी। इस वजह से हमने पता किया कि वो मॉर्निंग का समय होगा। दो दो बार गली गली का मतलब है सारी गलियां, कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे लिखे शब्दों को इस्तेमाल करते हुए वाक्यों बनाओ। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी में ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतजार कर रहा था। जगह जगह, शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा था। घर घर, दीपावली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। डाल डाल, इस पेड़ की डाल डाल पर चिड़िया का बसेरा है। मिलते जुलते शब्द, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं और जैसे कली भली। नीचे दिए हुए शब्दों को जैसे कुछ शब्दों अपने मन से जोड़ो। उत्तर, बोलो तितली डाल, या बोलो खोलो घोलो, तितली मितली सुतली, डाल ताल और जाल। महके सारी गली गली, महके तुम्हारी तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे खुशबू और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे बदबू। ऐसी चीज़ों के नाम जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। पसंद है तो नहाने के साबुन की, चमेली के फूल की, कॉफ़ी की, खाने की। सेम पसंद नहीं तो कपड़े धोने वाले साबुन की, पसीने की, गंदी जराबों की और कुड़के की। और ऐसे आप कई नाम लिख सकते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक आती है? विद्यार्थियों को स्वयं लिखना है ये क्वेश्चन। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, जैसे मोगरा, गुलाब, इस तरह से अपनी भाषा में लिखो। जैसे अगर उर्दू है तो उर्दू में, हिंदी तो हिंदी, पंजाबी तो पंजाबी में। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? किचन में से साबुन या तेल की महक, या गुसल खाने से? तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट को खुद को करना है। बट जैसे घर से आती है किचन में से, उसके मसाले की, ओनियन की, प्याज, लहसुन की, अदरक की, फल फ्रूट्स की, सब्जियों की, ये बहुत सारी खुशबू आती है। और खाना बनने के बाद जो खुशबू आती है वो अलग। तो ऐसे कई खुशबू आती है हमारे किचन से। तुम्हारी बात, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे? जाग जाएंगे विद्यालय जाने के लिए, खेलने जाने के लिए, पार्क की सैर करने के लिए, कार्टून फिल्म देखने के लिए। जागना पसंद नहीं करेंगे होमवर्क करने के लिए, बाजार जाने के लिए, ठंडे पानी से नहाने के लिए और दोस्तों के घर जाने के लिए। रंग बिरंगे, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता के पौधों की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती हैं? तितली गुलाबी, बैंगन बैंगनी, पेंसिल काली, कुर्ता लाल, संतरा संतरी, सूरजमुखी पीली, लड्डू पीले, प्याज सफ़ेद, साग हरा और मिट्टी काली। तो ये कुछ मतलब ये एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 8 की, तितली और कली।